प्लीज इस चैनल टेक स्टडी को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सामने जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए कोपा ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर वन जनवरी 2018 का एग्ज़ाम पेपर आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कोपा ट्रेड की सीरीज़ में ये पहला एग्जाम पेपर होगा जो कि कोपा ट्रेड थ्योरी प्ले में आपको मिलेगा बाकी वीडियोज भी जो कोपा के आएंगे इसी प्ले में ऐड होते रहेंगे तो आप चैनल की प्ले में जाके डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो देख सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है ए कंप्यूटर इज अ डिवाइस मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल नन ऑफ दीज तो कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है तो ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक आपका राइट right आंसर होगा क्वेश्चन नंबर दो है इंटेलिजेंट कोशियंट आई क्यू ऑफ अ कंप्यूटर इज तो जो आई क्यू होता है कंप्यूटर का वो क्या होता है हाई मीडियम नील या लो तो राइट right आंसर आपका हाई कंप्यूटर का जो आई क्यू लेवल होता है वो हाई होता है क्वेश्चन नंबर थ्री है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्पीकर इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है तो कीबोर्ड जो है आपका वो एक इनपुट डिवाइस है क्वेश्चन नंबर फोर व्हिच वन इज ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज रजिस्टर प्राइमरी मेमोरी रैम राइट आंसर आपका सेकेंडरी स्टोरेज या इसमें आपका ऑक्सिलरी मेमोरी होता है क्वेश्चन नंबर फाइव है वन मेगाबाइट कंसिस्ट ऑफ तो वन मेगाबाइट जो होता है वो होता है एक हज़ार चौबीस किलोबाइट्स के बराबर तो ऑप्शन सी एक हज़ार चौबीस किलो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स है फुल फॉर्म ऑफ रोम इज तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी तो ऑप्शन सी आपका रीड ओनली मेमोरी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवन है हुई जॉब इज परफॉर्म बाई ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजमेंट इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट ऑल ऑफ दीज तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस होता है किसी भी कंप्यूटर का वो ये सारी चीज़ें मैनेज करता है तो राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर एट है कोर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका जो कोर होता है वो होता है कर्नल क्वेश्चन नंबर नाइन है ब्लिंकिंग पॉइंट विच सोज द पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड कर्सर ब्लिंकर पॉइंट पोजीशन तो जो टेक्स्ट टाइप करते टाइम जो पोजीशन दिखाता है ब्लिंक करता हुआ उसको हम बोलते हैं कर्सर क्वेश्चन नंबर टेन है व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स ऑफ टेक्स्ट इज पॉसिबल इन एम एस वर्ड एम एस वर्ड में कितने तरह के अलाइनमेंट टेक्स्ट के आपके पॉसिबल होते हैं लेफ्ट राइट सेंटर ऑल ऑफ़ दीज तो यहाँ पे आपका राइट right आंसर है ऑल ऑफ दीज आप इन तीनों तरह के अलाइनमेंट्स का यूज कर सकते हैं एम एस वर्ड में क्वेश्चन नंबर अलेवन है यू कैन सेलेक्ट टेक्स्ट इन एम एस वर्ड आप एम एस वर्ड में टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं ओनली बाई माउस सिर्फ माउस से ओनली बाई कीबोर्ड सिर्फ कीबोर्ड से बोथ ए एंड बी यानी दोनों से नन ऑफ दीज तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है द यूज ऑफ पेवर टेबल इच आर फिल्टर सॉर्ट ग्रुप ऑल ऑफ दीज तो जो पेवर टेबल होता है उससे आप फिल्टर भी कर सकते हैं चीज़ों को सॉर्ट भी कर सकते हैं डेटा को और ग्रुप भी कर सकते हैं यानी यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ आप दीज क्वेश्चन नंबर थर्टीन है ए टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज कॉलम्स बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज यहाँ पे जो टेबल होगा वो उसमें रो और कॉलम दोनों होंगे तो राइट आंसर आपका बोथ है एंड बी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है द मैथमेटिकल साइन यूज बिफोर एंटरिंग अ फार्मूला इज यानी एक्सेल में जब आप कोई फार्मूला एंटर करते हैं तो कौन सा मैथमेटिकल साइन उस फार्मूला के पहले आप यूज़ करते हैं इज इक्वल टू एट द रेट हैज़ एंड राइट आंसर आपका इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है क्लिप आर्ट डिलीवर्स रेडीमेड सेप्स रेडीमेड इमेजज बोथ ए एंड बी नन ऑफ नानाफीज यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रेडीमेड इमेज जो क्लिप आर्ट्स होते हैं वो एक रेडीमेड इमेज होती हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है एडवांटेज ऑफ रिलेशनल डेटा बेस्ड सिस्टम ओवर पेपर डेटा पेपर बेस्ड सिस्टम इज स्पीड कंसिस्टेंसी बोथ ए एंड बी इनकंसिस्टेंसी कॉन्सिस्टेंसी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी यानी पेपर बेस्ड सिस्टम के ऊपर अगर इसका हम एडवांटेज देखें तो स्पीड और कंसिस्टेंसी दोनों हमको अच्छी मिलती है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है एस इज इजा प्रोसीजरल लैंग्वेज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज बोथ है एंड बी नन ऑफ दिज तो जो एस क्यूल है आपका वो है प्रोसीजरल लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर एटीन है कंपोनेंट्स ऑफ एस क्यूअल इज डेटा डिफिनिशन लैंग्वेज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज आल ऑफ दीज तो ये तीनों आपके एस क्यू एल के कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे आपका राइट right आंसर होगा आल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है टू क्रिएट मॉडिफाई एंड डिलीट डेटा बेस स्ट्रक्चर स्पेस इज यूज यानी डेटा बेस स्ट्रक्चर्स को अगर क्रिएट करना हो मॉडिफाई करना हो या डिलीट करना हो तो उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होगी डेटा डिफिनिशन लैंग्वेज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या डेटा क्वेरी लैंग्वेज तो यहाँ पर आपका राइट right आंसर है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है स्पेस इज द एरिया दैट अलाउ चेंजिंग डेटा विद इन द डेटा बेस यानी डेटा बेस के अंदर ही जो चेंज है वो कौन इसमें से अलाउ करता है कौन सा एरिया जो अलाउ करता है डेटा डिफिनीसन लैंग्वेज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या डेटा क्वेरी लैंग्वेज तो राइट आंसर आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है डब्ल्यू एन मीन्स यानी वैन मीन्स तो वैन का फुल फॉर्म होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क क्वेश्चन ट्वेंटी टू है एफ स्टैंड्स फॉर तो एफ टी पी का फुल फॉर्म होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है एच टी टी पी इज नेटवर्क इंटरनेट डिवाइस प्रोटोकॉल तो एच टी टी पी आपका एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है इन कम्युनिकेशन बैंडविड्थ इज यानी कम्युनिकेशन में बैंडविड्थ क्या होती है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीडियम फ्रीक्वेंसी या डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी तो जो बैंड विड्थ होती वो होती है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी अपर और लोअर फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं बैंड विथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है गाइडेड मीडियम फॉर डेटा ट्रांसफर इज ट्विस्टेड पेयर केबल को एक्सियल केबल फ़ाइबर ऑप्टिकल केबल या आल ऑफ दीज तो जो गाइडेड मीडियम होता है डेटा ट्रांसफर का वो ये तीनों मीडियम के थ्रू हो सकता है आता है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है फंक्शन ऑफ मोडेम इज मॉडुलेशन डी मॉडुलेशन बोथ एंड बी नन ऑफ दीज तो जो मोडेम वर्ड है ये दो चीज़ों से मिलके ही बना है मॉडुलेशन एंड डी मॉडलेशन से इसलिए इसको हम मोडेम बोलते हैं तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बोथ बोथे एंड बी यानी मॉडुलेशन और डी मॉडुलेशन दोनों मोडेम का फंक्शन होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच इज आर वेब ब्राउजर इनमें से वेब ब्राउज़र कौन सा है नेटस्केप आर कुट फेसबुक पेटीएम राइट आंसर आपका नेट स्केप एक अमेरिकन कंपनी का वेब ब्राउजर है आर कुट फेसबुक और पेटीएम आपके वेब ब्राउजर्स नहीं हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है डब्ल्यू 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 फॉर तो डब्ल्यू 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 का होता है फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है आई पी स्टैंड फॉर तो आई पी का होता है फुल फॉर्म आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल क्वेश्चन नंबर तीस है थर्टी वाट आर वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट यानी फॉन्ट के वेरियस एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं फेस साइज कलर ऑल ऑफ आलाफदीज राइट आंसर होगा आपका यहाँ ऑल ऑफ हफ्दीज एक फॉन्ट के ये तीनों एट्रीब्यूट्स होते हैं फेस भी साइज भी और कलर भी तो ये थे तीस क्वेश्चन जो आपके कोपा थ्योरी सेमेस्टर वन दो हज़ार अट्ठारह के एग्जाम पेपर में पूछे गए थे सेमेस्टर टू का जो एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन है वो भी जल्दी इस चैनल पे आएगा तो आप इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में इस पर आई की सारी जानकारी आपको मिलेगी आई के एग्जाम से रिलेटेड आई के पेपर सोलूशन आई की थ्योरीज प्रैक्टिकल्स और जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं साथ ही साथ आने वाली जॉब्स और वैकेंसीज कैसे आपको फॉर्म फिल करने हैं कैसे प्रिपरेशन करनी है वो सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा टेक स्टडी पे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू